कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल स्लेडो स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन एंड दिस इज डॉक्टर सारिका योर बायोलॉजी टीचर। सो प्रीवियस सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, राइट? और बेसिकली हमारा चैप्टर खत्म हो गया है एक और आज इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सो बच्चों, उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बट उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? आप सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो एक बार हम रिकैप ले लें कि हमने क्या क्या लास्ट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा था चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? उसमें हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स दोनों कवर किए, राइट? साथ ही साथ हमने उसमें फाइटोहार्मोन्स के बारे में सीखा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया और उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हमने देखा, राइट? देन हमने हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हॉर्मोन्स इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, तो ये सब चीज़ें हमने, और यस, ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी हमने स्टडी किया और वहाँ पर भी हमने डायग्राम कैसे बनाना है वो भी हमने सीखा, राइट? तो अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन से, कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, राइट? देन इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, डीएनए का रोल क्या है रिप्रोडक्शन में। देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो आई थिंक आप सबको पता है कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि ये तो हम जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे मोड्स, क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या सब पार्ट है या क्या क्या उसमें डिवाइड किया गया है, क्या क्या डिवीजन है। जैसे कि आपको पता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एक होता है आपका एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल, राइट? तो उसमें हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? तो ये हमारा कंटेंट है इस चैप्टर के लिए जो हम स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रोल ऑफ डीएनए एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर लगेगा कि सेशन को और एक्सटेंड कर सकते हैं तो हम आगे के भी स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सेशन में उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्या है चैप्टर? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। आप सबको मालूम है रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, राइट? डिफरेंट स्पीशीज का तो नहीं होता ना? यस, सेम स्पीशीज। कैसे, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट करके, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने ही तरीके की स्पीशीज को, वो डिफरेंट स्पीशीज को नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन स्पीशीज को, राइट? एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल स्पीशीज को। उसमें भी अगर हम क्लासिफाई करें और फर्दर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम लायन की बात करें या टाइगर की बात करें तो टाइगर स्पीशीज को ही रिप्रोड्यूस करता है, राइट? डॉग की स्पीशीज को ही रिप्रोड्यूस करता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आ रहे हो और डाउट आ गया हो कि लायन और टाइगर भी तो कर सकते हैं,
तो आपने बहुत सारे हाइब्रिड एग्जाम्पल्स देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है लाइगर. मैं आपको बताती हूँ, ये सब एक्सेप्शंस होते हैं. लाइगर, तो जो लाइगर है वो एक हाइब्रिड स्पीशीज है. किसकी? लायन और टाइग्रस की. यस, इसमें जो मेल है वो लायन है और टाइग्रस है. बट नाउ ये जो लाइगर आपकी स्पीशीज आई, ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. कांट रिप्रोड्यूस. ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में भी, और कुछ पार्ट इसका आप नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं कुछ. ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे है टाइगोन. ठीक है, ये इधर टाइग्रेस और आपका जो है, सॉरी, मेल टाइगर, इसमें टाइगर और फीमेल लायन, इसका है ये कॉम्बिनेशन. देन एक और एग्जाम्पल है, आई थिंक हिनी करके, जो डोंकी और हॉर्स का है. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आपके एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट करते रहते हैं, हाइब्रिड्स आते रहते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि अब आगे ये वाली जो स्पीशीज है हमारी, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे होता है और आगे फर्दर जनरेशन टू जनरेशन कैसे बढ़ती है. राइट, तो इन एग्जांपल्स को आप इस चैप्टर में स्टडी नहीं करोगे. एक्चुअली ये अभी आपके सिलेबस में है ही भी नहीं, ये एग्जांपल्स. बट मैंने फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको एक आइडिया दे दिया कि हाइब्रिड्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होगा ये सारे एग्जाम्पल्स हाइब्रिड के. तो इसीलिए मैंने उनको बताया कि अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि हाइब्रिड भी तो लायन स्पीशीज और टाइगर स्पीशीज अलग अलग भी तो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं एक को, बट जो स्पीशीज आई वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसकी फर्दर जनरेशन नहीं आ सकती. राइट, चलो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से. राइट, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड. राइट, रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड. और आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दैट रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज मत लिखना, वो गलत हो जाएगी डेफिनेशन. राइट, नाउ रिप्रोडक्शन असेंशियल क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का लाइफ के लिए, ये हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं. सो व्हाई क्वेश्चन आता है, Why is it essential? Right? तो reproduction essential क्यों है? So reproduction is essential. बहुत सारे reason हैं, तो मैं आपको point wise reason बता देती हूँ. पहला, continuation of life. आपको लाइफ में एक कॉन्टिन्यूएशन चाहिए ना, कि लाइफ आगे चलती रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. दूसरा फैक्टर है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. आप एक स्पीशीज को कैसे प्रिजर्व करोगे अगर वो आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा. ठीक है, तो सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. थर्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल. हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रिप्रोडक्शन एसेंशियल है. क्यों? अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो आगे उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो एक स्पीशीज खत्म होती चली जाएगी, है ना. एक आई और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो खत्म होगी, एट लास्ट कभी तो खत्म होगी ना. तो वही चीज है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रिप्रोडक्शन असेंशियल होता है. एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट इज वेरिएशन. वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग
और वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन इसलिए जरूरी है बिकॉज फॉर इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। आपको पता है ना, जो ह्यूमन स्पीशीज है, पहले ह्यूमन उसका जो साइंटिफिक नेम हम टर्म यूज करते हैं होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद होमो सेपियंस आई, देन होमो सेपियंस सेपियंस आई, है ना। इसके फर्दर बीच में भी बहुत सारा आपका आया होगा स्टेजेस। तो इस तरीके से इवोल्यूशन की वजह से ही आज हमारी जो हम बॉडी है, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, बट जो इवोल्यूशन हुआ वो वेरिएशंस की वजह से हुआ, वो ऐसे ही नहीं हो गया, ठीक है। तो वेरिएशन जरूरी है, असेंशियल है रिप्रोडक्शन में, किस चीज के लिए? इवोल्यूशन के लिए, राइट। तो ये फोर मेजर फैक्टर है जो कि असेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए। पहला कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, देन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, थर्ड इज पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड फोर्थ इज वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग फॉर इवोल्यूशन, राइट। अब एक और पॉइंट है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या? दैट रिप्रोडक्शन, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक और पॉइंट आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, दैट इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी मटीरियल। अब सबको पता होगा कि हेरिडिटी मटीरियल क्या होता है, जल्दी से टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में कि हेरिडिटी मटीरियल क्या है। जिसको नहीं पता मैं बताऊंगी, लेकिन जिसको पता है वो टाइप कर दो फटाफट से, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल बता दूं अब मैं? यस, जो हेरिडिटी मटेरियल है वो आपका डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो रिप्रोडक्शन इज द मींस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। अब डीएनए प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, कैसे? जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं विच इज प्रेजेंट इन दी सेल न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जितने भी आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है जो वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यस, इस फॉर्म में आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है एक पेरेंटल बॉडी से, जब एक ऑफस्प्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है तो वो इंफॉर्मेशन डीएनए लेके जाता है, डीएनए की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि रोल ऑफ डीएनए क्या है रिप्रोडक्शन में। सो द टॉपिक इज रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, राइट। तो अब हम ये स्टडी करने वाले। सो बेसिकली आपको क्या लिखना है? आपको पहला पॉइंट इसमें लिखना है दैट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या करता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन, है ना, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू ऑफस्प्रिंग, राइट। किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है? इस तरीके के होते हैं ना क्रोमोसोम, पता है ना ये चीज, है ना। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ये आपका डीएनए, ये यहां पे डीएनए का स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। एक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। तो क्या होता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है, ऐसा नहीं होता है कि आगे, अभी आप आगे फर्दर पढ़ोगे टॉपिक्स में, कि जो भी स्पीशीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती, सिमिलर होती है बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती। तो उसमें वही होता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है और ऑफस्प्रिंग एक न्यू प्रोड्यूस करती है अपना, जैसे पेरेंटल का एक स्ट्रैंड हो गया, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो न्यू प्रोड्यूस होता है और वही आपके ऑफस्प्रिंग का होता है। इसीलिए वो जो रिप्रोड्यूस करने के बाद जो भी यंग वंस आया, रिप्रोड्यूस हुआ, वो
सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है। तो हम कहां थे? यस, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। नाउ दिस डीएनए जो भी आपका प्रेजेंट है सेल न्यूक्लियस में, दिस डीएनए इन सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अभी आप ये सब हायर क्लासेस में अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हो, डीएनए स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है, कैसे वो प्रोटीन्स बनाता है, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, राइट। जब प्रोटीन्स बन जाते हैं देन इट परफॉर्म अ लॉट ऑफ मेजर फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो ये है आपका मेजर इवेंट, और मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, जो डीएनए की कॉपी को क्रिएट करता है, और क्रिएट करने का पर्पस क्या है, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो सके, ठीक है। डीएनए की कॉपी, जैसे मैंने आपको बताई कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यू प्रोड्यूस होता है, तो इस तरीके से डीएनए कॉपी होता है, जो भी पेरेंटल आया वो कॉपी तो हुई ना, तो यही काम है कि क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी रिप्रोडक्शन के अंदर, कैसे डीएनए कॉपी करता है और क्यों करता है, ताकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जा सके, इसीलिए वो अपने आप को कॉपी करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो ये डीएनए कॉपी हुआ, द कॉपी डीएनए, ये सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशंस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही आ जाते हैं। अब वेरिएशन की जब बात हुई, तो वेरिएशन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है डीएनए कॉपी करने में, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस आते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि जो डीएनए, जो यंग वन है, वो सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। अब ये वेरिएशंस यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या है, आपका हेल्प भी कर सकता है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो इन्वायरमेंट चेंज होने पर कौन सी स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है, कौन सी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती, ये भी डिपेंड करता है वेरिएशंस पे। तो वो वेरिएशन आपका यूजफुल भी हो सकता है, वो वेरिएशन एक स्पीशीज के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, और वो वेरिएशन एक स्पीशीज के लिए न्यूट्रल भी हो सकता है, कि कोई इफेक्ट नहीं करे, चाहे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीशीज को, वो सर्वाइव तब भी करेगी, ठीक है। तो यूजफुल, हार्मफुल, न्यूट्रल, ये तीन चीजें हैं जो वेरिएशन से हो सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और आप सबको पता है कि कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो टाइप, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको पता है एक और होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन, ठीक है, ये हम लेटर स्टडी करेंगे। अभी हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। उसके लिए हम एक काम करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, डेफिनेशन के साथ साथ इनके डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अब हम इनके डेफिनेशन और डिफरेंस पर आते हैं। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहां पे आपका पहला पॉइंट है, न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है। New organism is produced from a single parent. अब single parent में male भी हो सकता है और female भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक ही parent involved होगा reproduce करने में, ठीक है। So asexual में new organism is always produced from a single parent. यहां पर here in this case in sexual reproduction
न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. यस, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इस केस में, मदर भी और फादर भी. ठीक है, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. तो ये बेसिक डिफरेंस है और डेफिनेशन भी है जो आपको पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. राइट, नाउ द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन दिस केस लेस वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. अब लेस वेरिएशंस का मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया गया है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस केस में एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ देयर पेरेंट्स. राइट, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज्यादा वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा वेरिएशन ऑब्जर्व किए जाते हैं. सो हियर मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस केस गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व. गैमीट्स क्या है? सेक्स सेल्स है. राइट, तो यहां पे गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व बट इन दिस केस गैमीट्स आर इन्वॉल्व. राइट, तो ये हो गया आपका थर्ड डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस है that organism have a simple body design. आप पूरा लिख लेना, organism have a simple body design. और यहाँ इस केस में complex body design होता है. ठीक है, organism have complex body design. तो ये है आपके कुछ differences between asexual and sexual reproduction में. आपको difference क्यों बताएं? क्योंकि exam में आया हुआ है, CBSE के exams में, कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपके पास 4 पॉइंट्स है. ठीक है, अगर 3 मार्क्स में आता है तो भी आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. राइट, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ये तो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन. देन हमने देख लिया रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन. उसके बाद हमने सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो गया हमारा, उसमें हमने डिफरेंस की बात कर ली. अब हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्या क्या मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और आपको पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है. एक्सेप्शंस होंगे, एक दो आप देखोगे जो मल्टी सेलुलर में भी ऑर्गेनिजम्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट इट इज जनरली यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. राइट, चलिए तो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे. हमारा जो पहला मोड है वो है आपका फिशन. अब फिशन क्या होता है? फिशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है, इट डिवाइड्स इनटू 2 or more than 2 डॉटर सेल्स. राइट, क्या होता है हेयर? पेरेंटल बॉडी डिवाइड होती है, वो 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती है और वो मोर देन 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती है, इनटू 2 or more डॉटर सेल. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, या नोटिस क्या करना कि आपको याद रखनी है और आपको भी यूज करनी है कि जो भी हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं उसको हम पेरेंटल और फुल्ली ग्रोन डेवलप्ड बॉडी बोलेंगे, और जो भी रिप्रोड्यूस हुआ यंग वन उनके लिए हम डॉटर सेल्स यूज करते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस इन फिशन पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इंटू 2 or more डॉटर सेल. अब फिशन भी 2 तरीके के होते हैं. पहला बाइनरी फिशन, राइट, और दूसरा है आपका मल्टीपल फिशन. अब दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल है? बाइनरी फिशन की जब हम बात करते हैं,
पेन चेंज कर देती हूँ मैं, हम पहले बाइनरी फिशन की बात करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी से समझ में आ रहा होगा दो, राइट? यस। बाइनरी फिशन में जो पेरेंट बॉडी होती है डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स। इस केस में क्या होता है, अ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आप डिवाइड्स यूज कर सकते हो, आप स्प्लिट यूज कर सकते हो, आप ब्रेक यूज कर सकते हो। सो डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, राइट? तो बाइनरी का मतलब है दो, तो इसलिए टू इक्वल डॉटर सेल्स में आपकी जो पेरेंट बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, राइट? नाउ द एग्जाम्पल, बाइनरी फिशन के क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला अमीबा, आप सबने ये पढ़ा हुआ है। पैरामीशियम, ये भी बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। देन लिशमेनिया, ये भी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके डायग्राम के थ्रू क्लियर कर देती हूँ कि किस तरीके से दो पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड होती है, राइट? चलिए हम अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इरेगुलर शेप होती है ये आपका, ये अमीबा में न्यूक्लियस हो गया और देन साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है अमीबा में। हमने ये अमीबा ड्रॉ किया, इसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर दो न्यूक्लियस बने एक अमीबा की बॉडी में, पेरेंट बॉडी में, राइट? और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे अभी कनेक्टेड है, ठीक है। ये देन आपके साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और फाइनली आपके पास टू डॉटर सेल्स आ गई अमीबा की, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी फिशन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है और फिर क्या मिलता है रिजल्ट हमें, इट रिजल्ट्स इनटू टू आइडेंटिकल और इक्वल डॉटर सेल्स, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो जो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है वो आपका ट्रांसवर्स पोजीशन में ट्रांसवर्स सेक्शन से डिवाइड होता है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल भी मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लेंथ वाइज डिवाइड होता है और टू इक्वल हाफ्स में होता है। मैं आपको इसका भी बता देती हूँ कि इस तरीके का कुछ आपका डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉडी हो गई, इसका ये न्यूक्लियस हो गया जो कवर होता है, देन इसकी आपकी टेल हो गई, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म है आपका। उसके बाद जब ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है अगेन, सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म है और उसकी टेल भी है, तो एक टेल इस तरीके से निकलनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। जब टेल स्टार्ट होती है, टेल की ग्रोथ होती है, देखो डायग्राम में बहुत अच्छा तो नहीं समझ में आएगा, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से टेल आपकी इधर इस ऑर्गेनिज्म में बड़ी होती है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ये शेप कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है इसकी, एनीवेज आप लोग सेम उसका बना लेना। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुए, दो न्यूक्लियस बने, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल, ये टेल भी इसकी निकलनी शुरू हो गई। लॉन्गिट्यूडनल में कैसा होता है, देखो ये आया आपकी ये बॉडी, यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसकी टेल आ गई, यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ, दो न्यूक्लियस हमारे हुए और इसकी भी टेल आ गई और फाइनली दो ऑर्गेनिज्म में, दो डॉटर सेल्स में इस तरीके से ये डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं और फिर टू डॉटर सेल्स हमें मिल जाती है, ठीक है। तो आगे वाला जो स्टेप है वो सेपरेट हो जाएंगे ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म, करेक्ट।
तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लिशमेनिया आपका डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और पैरामीशियम आपका ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और अगर वो 3 मार्क्स का है तो आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं, सारे मोड्स बताने हैं, तब आप इतनी डिटेल में उसको नहीं बताना। ठीक है, लेकिन अगर बाइनरी फिशन स्पेसिफिकली आता है क्वेश्चन तो आप अमीबा और एक और ड्रॉ कर सकते हो। अगर बाइनरी और मल्टीपल फिशन आता है तब आप एक एक एग्जाम्पल लेके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाइनरी फिशन। अब दूसरा जो टाइप है फिशन का वो है आपका कौन सा है, मल्टीपल फिशन, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि मल्टीपल फिशन में क्या होता है और कैसे ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। ठीक है, अब मल्टीपल से क्या समझ में आ रहा होगा, मल्टीपल से समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे, है ना। तो एग्जैक्टली वही डेफिनेशन होती है मल्टीपल की, कि मल्टीपल टाइप ऑफ फिशन में जो पेरेंटल बॉडी होती है इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। कैसे, अब देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है आपका मल्टीपल फिशन, और मल्टीपल फिशन में आपको डेफिनेशन पता चल गई है कि जो पेरेंट बॉडी होता है इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं सीधा, एग्जांपल में मल्टीपल फिशन के केस में है आपका प्लास्मोडियम, राइट। अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है, देन ये न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो एक बार नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है न्यूक्लियस, और फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस तरीके के आपको दिखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हो ना हर न्यूक्लियस के बाहर, ये ऑर्गेनिज्म खुद से डेवलप कर लेता है एक आउटर कवरिंग जिसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब सेवरल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक पेरेंटल बॉडी में बन जाते हैं, उसके बाद जब वो ब्रेक करता है तो इस तरीके से वो बॉडी के अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो निकलते हैं तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर आके जितने भी आपके बाहर आए न्यूक्लियस वो सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल न्यू डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीपल फिशन। अभी तक हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला ही पढ़ा है फिशन, अब हम सेकेंड मोड की बात करते हैं। और सेकेंड मोड हमारा क्या है, सेकेंड मोड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या है फ्रेगमेंटेशन, अभी फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट। तो जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो पेरेंटल बॉडी जो है वो आपकी ब्रेक होती है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में। कैसे, अगर आपने कोई एक ऑर्गेनिज्म लिया, सपोज मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, कोई भी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली, इसमें बहुत सारे आपके कोई भी आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। अब आपने इस ऑर्गेनिज्म को कट किया, चलो मानते हैं दो जगह से कट किया, एक आपने यहाँ से कट कर दिया और एक आपने यहाँ से कट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये वाला पोर्शन आया, ठीक है, इस तरीके से, फिर हमारे पास एक और पोर्शन आया ये वाला, सही कर रही हूँ ना मैं, और फिर एक हमारा ये बॉटम वाला पोर्शन हमारे पास आया इस ऑर्गेनिज्म का, ये यहाँ से सही कर लेना। अब ये जितने भी पार्ट्स में कट हुआ, ठीक है, जितने भी पार्ट्स में आपने इसको कट किया, एक सिंपल सा ये पार्ट, 3 पार्ट्स हमारे पास है, एक ये पर्टिकुलर पार्ट एक कंप्लीट इंडिविजुअल को डेवलप कर लेगा। दैट मींस यहाँ पे आपको 3 इंडिविजुअल्स कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ये 3 इंडिविजुअल आपके पास आ गए। आप अगर इसको
चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो चार कंप्लीट इंडिविजुअल्स बना लेता, फाइव पार्ट्स में करते हैं तो फाइव पार्ट्स में बना लेता। सो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, दैट पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इंटू टू और मोर डॉटर सेल्स। यहाँ पे डॉटर सेल की जगह हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल पार्ट से लिखते हैं इसको, ठीक है। सो पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इंटू टू और मोर स्मॉल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट, आप देख रहे हो ना, आपने इस वाली बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, थ्री पार्ट्स में, वन टू थ्री। सो वेयर ईच पार्ट गिव्स राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हर एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, फ्लैट वर्म्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और आई थिंक जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये एक बॉडी टाइप, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर स्पाइरोगायरा का भी होता है, तो आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्पाइरोगायरा की अगर बॉडी को हम कट करते हैं टू या थ्री पार्ट्स में तो एक ईच पार्ट जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट मोड है हमारा रीजेनरेशन। अब ऑलमोस्ट रीजेनरेशन भी सिमिलर होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन जैसा ही, बट मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो थर्ड हम स्टार्ट करते हैं रीजेनरेशन से, क्लियर। सो द थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रीजेनरेशन, राइट। अब रीजेनरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस केस में भी एक ऑर्गेनिज्म दोबारा से रीजेनरेट होता है। वर्ड से समझ में आ रहा है ना रीजेनरेट होना, बट इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। आपने लिजर्ड देखी है, अगर आप लिजर्ड की टेल को कट कर देते हो या ब्रेक हो जाती है किसी भी तरीके से, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो वापस से उसकी टेल आ जाती है। तो दैट मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी लॉस्ट पार्ट होता है या डैमेज पार्ट होता है वो एबल होते हैं उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा से जनरेट करने के लिए। वही चीज आपकी होती है रीजनरेशन। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला इवेंट है आपका रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स और टिश्यू। वहां पे फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक डेवलप हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म का डैमेज सेल्स और टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स और टिश्यूज, दूसरा है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट्स। जैसे मैंने आपको लिजर्ड का एग्जाम्पल दिया, राइट, कि उसकी जब टेल ब्रेक हो जाती है तो वो फर्दर वापस से रीजनरेट हो सकती है। थर्ड है आपका रिकंस्ट्रक्शन होना एक बॉडी पार्ट का, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है, आप वो वाला एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हो लिजर्ड की टेल वाला, और एक स्टारफिश भी होता है, स्टारफिश के बहुत सारे आर्म्स होते हैं ना, तो अगर एक आर्म उसका डैमेज हो जाए रिप्लेस कर, वो अपने आराम से उसको रिप्लेस कर सकता है। बट यहाँ पे इस केस में जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करने में टाइम लगता है, बट इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करते हो डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, तो वो पार्ट कंप्लीट इंडिविजुअल बनने में टाइम नहीं लेता है। तो ये एक डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में। हाइड्रा की बात, अगर आपने हाइड्रा देखा हो तो हाइड्रा में क्या होता है कि एक बॉडी है हाइड्रा की, ठीक है, साइड में एक उसका पार्ट निकला होता है, ठीक है, वो ग्रो करता रहता है धीरे धीरे, जैसे वो ग्रो करता है वो अपनी बॉडी से, उस पेरेंटल बॉडी से डीअटैच हो जाता है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल जो है आपका रीजनरेशन का है कि एक पार्ट ग्रो होने के बाद
पेरेंटल बॉडी से डी अटैच हुआ और वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। तो इसी तरीके से हाइड्रा की जो जनरेशन है वो आगे रिप्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो आप इसमें हाइड्रा भी लिख सकते हो, आप इसमें प्लेनेरिया भी लिख सकते हो, आप साथ ही साथ एग्जाम्पल दे सकते हो लिजर्ड की टेल का भी और स्टार फिश का भी। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं आपको फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कुछ दो या तीन पॉइंट्स डिफरेंस लिख देती हूँ, सो दैट अगर एग्जाम में आए तो आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे इसको बताना है। ठीक है, बट आई होप एंड आई बिलीव कि अभी आपको पता हो कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के केस में भी पेरेंटल बॉडी डिवाइड करती है टू और मोर डॉटर सेल्स में, और रीजनरेशन के केस में भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड होती है टू या थ्री पार्ट्स में, जनरली आप कितने भी पार्ट्स में कर सकते हो, और उसमें फर्दर डेवलप हो जाती है एक कंप्लीट इंडिविजुअल में, बट यहाँ पे लॉस्ट पार्ट डेवलप होता है। ठीक है, या डैमेज पार्ट कह लो। तो अब हम डिफरेंस पे चलते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, यहाँ पे हम लेंगे फ्रेगमेंटेशन और यहाँ एक साइड हम लेते हैं रीजनरेशन। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेगमेंटेशन के केस में। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये होता है सेलुलर लेवल पर। किस पर होता है? सेलुलर लेवल पर। दैट मींस ईच सेल ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो भी यहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, यहाँ पे कोई टिश्यू या ऑर्गन डिवाइड नहीं होता, सेल डिवाइड होता है, इसलिए जो एक सेल डिवाइड हुआ वो पूरा का पूरा सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। रीजनरेशन के केस में टिश्यू या ऑर्गन, ये आपका लेवल होता है कि या तो टिश्यू आपका रीजनरेट हो जाता है या वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं टाइम टेकन के रेस्पेक्ट में। तो मैंने आपको ये चीज तो पहले ही बताई कि फ्रेगमेंटेशन के केस में नो टाइम रिक्वायर्ड, दैट मींस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है एक सेल डेवलप जब हो जाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, तो वो ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे टाइम लगता है, टाइम इज रिक्वायर्ड राइट टू डेवलप लॉस्ट पार्ट राइट। जैसे ऐसा तो है नहीं कि लिजर्ड की टेल ब्रेक हुई और वो तुरंत के तुरंत उसकी टेल वापस आ जाती है, ऐसा नहीं होता, उस लॉस्ट पार्ट को डेवलप होने में टाइम लगता है। थर्ड हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, और यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है? टू डेवलप लॉस्ट पार्ट, ताकि वो लॉस्ट पार्ट वापस आ सके। ठीक है, अब इसके डिफरेंस अगर आता है तो आप साथ में एग्जांपल्स भी दे सकते हो, है ना। तो आपको पता है फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, एक एक एग्जांपल भी दोगे तो चलेगा। और यहाँ पे आपका एग्जांपल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, देन स्टारफिश भी दे सकते हो, तो एक एक एग्जांपल आप डिफरेंस में लिख सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये था हमारा थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो फोर्थ पार्ट आपका क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। सो फोर्थ आपका हो गया मोड स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड जो आपकी पेरेंट बॉडी होती है इट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे दैट इन दिस मेथड द पेरेंट बॉडी, और हम इसमें पेरेंट प्लांट भी बोलते हैं, ये प्लांट में होता है जनरली। तो प्लांट, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ
माइक्रोस्कोपिक, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, द हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं स्पोर्स, ठीक है, कॉल्ड स्पोर्स। अब जब ये स्पोर्स पेरेंटल बॉडी से हटकर स्प्रेड होना शुरू होते हैं, चाहे वो एयर में स्प्रेड हो जाए, चाहे वो लैंड पर स्प्रेड हो जाए, चाहे वो फूड पर आ जाए या सॉइल में आ जाए, तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस वो फर्दर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो आप इसका एग्जांपल लिख लो, पहले आप ये लाइन भी लिख लो, दैट व्हेन दीज स्पोर्स स्प्रेड इन एयर, जैसे ही वो एयर के अंदर स्प्रेड होते हैं, या फिर दे लैंड ऑन फूड या सॉइल, जो भी आप लिख सकते हो, सॉइल और कोई भी ऐसा सब्सटेंस अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे, दीज जर्मिनेट हो जाएंगे, कंडीशंस दीज जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, जर्मिनेट होने के बाद प्रोड्यूस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास राइजोपस जो होता है वो आपका स्पोर फॉर्मेशन का, ये डायग्राम बना के, ठीक है, आप देख लेना एक बारी। और ये डायग्राम जो है ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, राइट, तो अब इसको सही कर लेना आप लोग। देखो ये इस तरीके का है, यहां से आप लोग बना लेना ये नीचे वाला पार्ट, क्लियर। तो अब यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या है आपके सारे स्पोर्स हैं, राइट। अब ये स्पोर्स या तो ये एयर में स्प्रेड करेंगे, या फिर ये फूड पर लैंड कर जाएंगे, सॉइल पर लैंड कर जाएंगे, और कोई भी सब्सटेंस पर ये लैंड कर जाएंगे, और लैंड करने के बाद जब इन्हें इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उस केस में तब ये जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस न्यू राइजोपस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आपके मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। इसपे आपने एक और पढ़ा होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो स्टार्टिंग में हमने उसको सेपरेट कर दिया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। तो एक काम करते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम स्टार्ट करेंगे, देन हम फिर उसमें इंटेक्स क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो भी अब तक मैंने पढ़ाया इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उसमें होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें लगा कि टाइम है अभी, तो फिर फर्दर हम आगे के टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है, बट आपको क्या करना है, टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय।